इंटरनेट पे आजकल मैंगो कुल्फी बहुत वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिए 2 पके हुए आम, और फिर इसमें से निकालनी थी मुझे गुठली, पर उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब सीरियसली वो आराम से नहीं निकली बिल्कुल भी। थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दोनों की दोनों गुठलियाँ निकल गई। प्रैक्टिस करने के बाद दूसरी आराम से निकल गई। ये मुझे करते हुए देख के मेरे बेटे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी, वो सोच रहा था मम्मी फाइनली इसका बना क्या रहे हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में किचन में आके राउंड मार रहा था। अब यहाँ मैंने पैन में ले लिया है 2 कप फुल फैट मिल्क, और इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ चीनी मुझे कम लगी थी बाद में, तो मैंने थोड़ी और ऐड की है 1 टेबल स्पून। तो अराउंड मुझे यहाँ 2 कप में 3 टेबल स्पून चीनी लगी है। फिर इसमें थोड़े से केसर और इलायची मिक्स कर दिया मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें अच्छे से उबाल आए तब तक हमें हिलाते रहना है, मतलब नहीं तो आपके जो दूध का मिक्सचर है नीचे चिपक जाएगा। फिर इसमें मैंने क्रीम ऐड की है, घर की फ्रेश मलाई होती है वो ही, और 1 मिल्क केक या पेंडा जो पड़ा था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। और उसके बाद 5 मिनट तक उबालते रहे तो थोड़ा थिक हो गया। फिर इसको ठंडा करके हमें जो आम फ्रोज़न किए थे उसके अंदर हमें इसे ठंडा करके भरना है। तो अब इसको एकदम ठंडा हो जाए फिर ही इसमें भरे, और भरने के बाद इसे हमें मैंने इसको इस ग्लास में रख दिया था सपोर्ट के लिए, और फिर ओवरनाइट इसको जमने के लिए रख दे। तब तक आपको बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब जितनी ज़्यादा देर ये रहेगा तब अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर इसे हमें जो छिलका है उसे पील करके निकालना है। तो मैंने पहले नॉर्मल पीलर लिया था, उससे वो अच्छे से बिल्कुल नहीं निकला था, तो फिर मैंने दूसरा ग्रीन कलर का पीलर लिया, उससे वो बहुत आराम से निकल गया। तो ये वाला पीलर होगा तो बहुत इजीली निकल जाएगा, और जो लेफ्टी हो तो उसके लिए ये पीलर बेस्ट है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। इसका फाइनल लुक देख के मेरा बेटा तो चौंक गया, उसने बोला मम्मा वाह आप ये बना रहे थे, इसलिए गुठली निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो थोड़ी सी वो रबड़ी हमने बनाई थी वो बची थी, उसको मैंने ग्लास में सेट कर दिया था, तो उसकी भी मैंने स्लाइस कर दी है। इसके पहले मैंने एक और मैंगो कुल्फी बनाई थी जिसमें मैंने बिल्कुल भी कुकिंग प्रोसेस यूज़ नहीं की थी। उसका टेस्ट मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद आया था, और वो इंस्टेंट 5 मिनट में बन गई थी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 कप फुल फैट मिल्क लिया, फिर उसमें 200 ग्राम मिठाई मेड ऐड किया है, और 1/4 कप मिल्क पाउडर, और 1 अमूल फ्रेश क्रीम का पैकेट वो ऐड किया है 200 ग्राम का, और 1 से 1.5 कप आप पके हुए मैंगो उसका पल्प लिया है। फिर ब्लेंडर कर दिया और उसे मोल्ड में सेट करने के लिए रख दिया था। मैंने ओवरनाइट सेट होने के लिए रखा था। फिर निकाल के जब सर्व किया तो अमेजिंग, उसका टेस्ट इतना अच्छा था, मतलब जो मैंने अभी बनाई उससे भी ज़्यादा बेटर था। नो डाउट लुक में वो जो फर्स्ट वाली मैंगो आइसक्रीम थी या कुल्फी, उसको 10/10 मिलेगा, लेकिन ये वाली कुल्फी कोक मेरे बेटे ने 10/11 दे दिया। मतलब इतनी उसको टेस्टी लगी आइसक्रीम। आपके पास कुल्फी मोल्ड ना हो तो आप पेपर कप जो चाय पीते हैं वो भी ले सकते हैं, या तो बड़ी ग्लास में सेट करने रख दे फिर स्लाइस करके सर्व करें।